दोस्तों, आईटीआई पर एक बहुत ही बड़ी बहाली आया है। हमारा जो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसमें आईटीआई पर, ठीक है, आईटीआई के लगभग सभी ट्रेडों पर बहाली आया हुआ है। ये जो ऊपर वाला है, ये बीटेक वाले लोग के लिए या ग्रेजुएशन पर है, ठीक है। हमारे आईटीआई के लिए जो है ये हमारा है, इसमें जो ये कैटेगरी टू है आईटीआई के लिए, ये जो कैटेगरी टू है, ठीक है, इसके लिए ये हमारा है आईटीआई पर। तो आईटीआई पर टोटल 2900, ये जो है 2946 है, 2946 जो है ये आईटीआई पर, ठीक है। इसमें स्टाइपन आपको मिलेगा, स्टाइपन डायरी ट्रेनिंग है ये, मतलब 2 साल तक आपको स्टाइपन पर रखेगा, उसके बाद फिर परमानेंट होगा। तो जो भी सैलरी होगा अब 7th पे के अनुसार वो मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट साल आपको क्या मिलेगा, 20,000 का महीना मिलेगा, और दूसरे साल आपको 22,000 का मिलेगा। फिर जब 2 साल आप क्लियर कर लीजिएगा, 2 साल हो जाएगा पूरा, तब उसके बाद आपको जो 7th पे के अनुसार होगा वो आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हमें ये देखना है कि आईटीआई पर कितनी बहाली है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, आईटीआई की बहाली आपका यहाँ से शुरू हुआ है। देखिए, आईटीआई कैटेगरी टू स्टेपन डायरी ट्रेनिंग, ये है आईटीआई पर है। तो ये कह रहा है एसएससी विथ साइंस एंड मैथ विथ ए मिनिमम 60% मार्क्स। तो देखिए, ये फॉर्म भरने के लिए आपको आईटीआई तो चाहिए ही, और उसके साथ ही साथ मैट्रिक में साइंस और मैथ के साथ, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी होता है, मैथ और साइंस के साथ 60% मार्क्स आपको मैट्रिक में चाहिए, ठीक है। एसएससी यानी कि मैट्रिक होता है, मैट्रिक में आपको 60% मार्क्स के साथ पासिंग आउट होना चाहिए, और साथ साथ जो भी ट्रेड आप भर रहे हैं उसमें आईटीआई चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से ट्रेड्स का है, तो फीटर का है आपका, एससी का 56 है, एसटी का 36, ओबीसी का 152, ईडब्ल्यूएस का 112, जनरल का 342, टोटल है 698 सीट। ये फीटर का है, 698 हो गया। टर्नर मैकेनिस्ट का हो गया 213 सीट, वेल्डर का 99 सीट, मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस का 18 गो है, इलेक्ट्रीशियन जो हम पढ़ाते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, तो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ये टोटल 399 सीट है, ठीक है। तो 27 एससी के लिए और एसटी का 22 गो सीट है, ओबीसी का 119 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 54 सीट है, और जनरल अनरिजर्व जो होता है उसके लिए 177 सीट है। टोटल हमारा 399 सीट है, ठीक है। तो वही सब बाकी जो भी ट्रेड होता है उस सब के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, जितना भी ट्रेड आपका है उस सब का आपका बहाली का कितना संख्या है, जनरल का, ओबीसी का, एससी एसटी का, वो सब संख्या दिया हुआ है। और सबके लिए आपको मैट्रिक में, ये जितना भी आईटीआई पर है इसमें सब में आपको मैट्रिक चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और फिजिक्स और मैथ, मतलब साइंस और मैथ, और 60% से पास होना चाहिए, और प्लस में जिस ट्रेड का आप भर रहे हैं उस ट्रेड से आपको आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें एक प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी, ये सब जो है, ये जो आप देख रहे हैं T32 से लेकर इतना तक, ये आपका इंटर पर है, ठीक है। इंटर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा है HSC हायर सेकेंडरी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ विथ मिनिमम 60%, यानी कि जो आप जो भी इंटर पर है, इंटर किए हुए हैं, ठीक है, 12 किए हुए हैं, वो भर सकते हैं इसमें। उनको साइंस में चाहिए, साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए पासिंग, ठीक है। तो ये जो तीनों कैटेगरी है वो ये भर सकते हैं, प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी, डेंटल टेक्नीशियन, हाइजीनिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, मैकेनिक, ये सब भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं बहाली की। देखिए एज जो है आपको इसके लिए, एज देखिए बहुत मायने रखता है। देखिए तो हम लोग ये हैं कैटेगरी टू वाले हम लोग हैं, इसमें मिनिमम एज 18 साल चाहिए और मैक्सिमम 22 साल चाहिए, ठीक है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार आपका कैटेगरी के अनुसार ये आपका मतलब छूट मिलेगा, जिस कैटेगरी में आप होंगे उसके अनुसार आपको छूट मिलेगा,
ठीक है। तो देखिए कैटेगरी ये ट्रेनी कैटेगरी टू का जो है, ये जो ITI पर है, इसमें जिनका डेट ऑफ बर्थ 23/5/2001 से 22/5/2005 तक है, डेट ऑफ बर्थ इतना के बीच में होना चाहिए, इतना के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो ये फार्म भर सकते हैं, ठीक है। मैंने कि 22 साल होना चाहिए। अब देखिए OBC किसे अगर है 3 साल का छूट मिलेगा, SC ST है 5 साल का छूट मिलेगा, PWBD मतलब जो विकलांग होते हैं उनके लिए 10 साल का है, अनरिजर्व का है 10 साल, OBC में अगर विकलांग है तो 13 साल मिलेगा, SC ST में विकलांग है तो 15 साल के मिलेगा, एक्स सर्विस मैन जो मिलिट्री वाले लोग होते हैं, सेना के लोग होते हैं, उनके लिए वो 3 साल और ज़्यादा छूट रहता है, ठीक है, तो वो अलग है। फिर अब हम लोग चलते हैं सिलेक्शन मेथड में। देखिए सिलेक्शन मेथड में आपका है कि इसमें 3 टेस्ट होगा, आपका कैटेगरी 2 का जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी है जो ITI का है, उसमें 3 ये आपको एग्ज़ाम होगा, 3 टेस्ट, ठीक है। तो पहला टेस्ट है प्रीलिमिनरी टेस्ट, इसमें आपको ये होगा, देखिए यहाँ पर प्रीलिमिनरी टेस्ट में आपको 20 नंबर का मैथ रहेगा, 20 नंबर का साइंस रहेगा और 10 नंबर का GK जनरल अवेयरनेस रहेगा, करंट अफेयर और वो सब मिला के हो जाता है 10। टोटल 50 नंबर का आपका क्वेश्चन ये एग्ज़ाम होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट। उसके बाद एडवांस टेस्ट है, ये भी 50 क्वेश्चन होगा। पहला जो है प्रीलिमिनरी टेस्ट, ये आपका 50 क्वेश्चन होगा और एडवांस टेस्ट भी आपका 50 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, आप जिस ट्रेड से होंगे उस ट्रेड से आपको स्किल टेस्ट, जैसे कि आप अगर इलेक्ट्रिशियन से जाते हैं तो आपसे मोटर का कनेक्शन करवा सकते हैं, या कोई भी मशीन जो है, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब के बारे में पूछ सकते हैं। आपको मोटर स्टार्टर दे दिए कोई कनेक्शन करके, मोटर को चलाना है आपको, DC मोटर हो गया, सिंगल फेज AC मोटर हो गया, 3 फेज AC मोटर हो गया, वो कोई भी मोटर और स्टार्टर आपको दे देंगे, उसका कनेक्शन करके आपको चलाना होता है, ठीक है। तो वो आपका स्किल टेस्ट जो ट्रेड से है उसी से ट्रेड से होगा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट आपका टेस्ट है, ये जो टेस्ट है प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है, इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 1 आवर का टाइम मिलेगा, ठीक है, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद 20 मैथ से रहेगा, 20 साइंस से और 10 जनरल अवेयरनेस से रहेगा। उसके बाद आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और अगर सही क्वेश्चन होता है 3 नंबर मिलेगा, अगर गलत होता है तो 1 क्वेश्चन पर 10 कट जाएगा, मतलब 1/3 का आपका रेशियो है। अगर 1 सही होता है तो 3 नंबर मिलेगा, अगर गलत होता है तो 1 नंबर कटेगा, ठीक है। ये तो आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें है, ये जो आपका पहला जो टेस्ट है, इसमें ये आगे कह रहा है कि ऑल कैंडिडेट विथ लेस देन 40% इन जनरल कैटेगरी। तो ये जो पहला टेस्ट है ये आपको पास होना ज़रूरी है, पास होइएगा तब जाके आपको ये दूसरा टेस्ट है इसका क्वेश्चन आपको, मतलब आप उसमें भाग ले सकते हैं, यह आपका चेक होगा। ये दोनों टेस्ट है, फर्स्ट और स्टेज 1 स्टेज 2, ये दोनों टेस्ट आपको एक ही साथ हो जाएगा, और फिर इसमें जब पास हो जाएगा तब स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये जो पहला हमारा टेस्ट है ये 150 नंबर का है, कितने नंबर का है, पहला जो टेस्ट है ये 150 नंबर का है, ठीक है। 150 नंबर में आपको अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 40% लाना है, यानी कि आपको 60 नंबर ले आना है जनरल से है तो, अगर OBC या कोई भी रिजर्व वाले है तो 30% ले आना है। 30% का मतलब हो गया आप 45 नंबर अगर ले आ देते हैं, 150 का क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन, प्रत्येक 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 150 का क्वेश्चन रहेगा, उसमें अगर आप जनरल से हैं तो 60 नंबर लाना है, अगर OBC SC ST है तो 45 नंबर लाना है। इतना नंबर आप लाते हैं उसके बाद ही आपका जो एडवांस टेस्ट है उसका आपको क्वेश्चन चेक होगा। जैसे ALP में था, जो सेकेंड एग्ज़ाम हुआ था उसमें था ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। तो बी में आपका क्या दिया था,
ट्रेड से दिया था। हाँ ट्रेड था 75 नंबर का, उसमें भी था आपको 50 नंबर के आसपास, या मतलब 50% या कितना था हमको याद तो नहीं है, आगे बता देंगे कभी, ठीक है। तो उसमें भी पासिंग था कि उसमें अगर आप पास होते हैं तभी यह जीके वाला, जीके जीएस मैथ रीजनिंग वाला जो है पार्ट ए, ये आपका चेक होगा। इसमें अगर आप फेल तो ये चेक ही नहीं होगा। सेम इसमें भी है, अगर आप इसमें ये जीके जीएस मैथ रीजनिंग वाला पास नहीं होते हैं तो ये जो है आपका चेक ही नहीं होगा, ये ख़त्म। अगर आप पहले वाला जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है इसमें अगर आप 40% लाते हैं ओ ए जनरल से और 30% ओ बी सी एस सी एस टी से ला देते हैं तब जाके आपका दूसरा चेक होगा, ठीक है। तो ये आपको लाना ज़रूरी है, ठीक है। और जो एडवांस टेस्ट है, ये जो सेकेंड स्टेज का एडवांस टेस्ट है, ये आप जिस ट्रेड से रहिए, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मैकेनिस्ट, जो भी है उस ट्रेड से आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 3 नंबर का, ये भी 150 नंबर का होगा। और जो आपका मेरिट बनेगा इसी 150 में से आपको बनेगा। तो ये 150 में से आप जितना ज़्यादा ला दे उतना ज़्यादा, क्योंकि देखिए आपका फॉर्म भरने वाले लड़कों की संख्या ज़्यादा रहेगा तो आपका जितना ज़्यादा नंबर रहेगा आपका मेरिट बनने का चांस उतना ज़्यादा रहेगा। इसमें अगर मेरिट बनेगा तब आप जाके आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर स्किल टेस्ट जो होता है उसमें रहता है, मतलब कि अगर सही हो गया स्किल टेस्ट में पास तो आप सही हैं, अगर नहीं तो सीधा घर जाए, उसमें कोई फेल पास का नहीं है। मतलब अगर आपको जैसे कोई दिया गया बनाने के लिए कि हाँ ये जॉब बनाना है या आपको इस मोटर का कनेक्शन कर देना है, तो कनेक्शन आपसे नहीं होता है तो वहाँ पर सीधे आपको कहेगा कि घर जाइए। उसमें ये नहीं कि हाँ हम कनेक्शन कर दिए, थोड़ा सा गलती किए हैं या ये किए, तो वो नहीं, उसको पूरा का चाहिए। स्टील टेस्ट में आपको पास होना ही है, अगर पास नहीं होते हैं तो आपको नहीं होगा, आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जो ये एडवांस टेस्ट है ये आपका ट्रेड से रहेगा, 50 क्वेश्चन, और इसके लिए आपको 2 घंटा मिलेगा, 2 आवर मिलेगा, 2 आवर मिलेगा, ठीक है, 2 घंटा मिलेगा। 50 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 3, और 1 क्वेश्चन सही हुआ तो 3 नंबर, गलत हुआ तो 1 नंबर कट जाएगा एक क्वेश्चन पर, ठीक है। 2 घंटा में इसको बनाना है। और इसी नंबर पर ये जो आपका एडवांस टेस्ट होगा 150 नंबर का, इसी में से आपको क्या होगा क्वेश्चन, ये आपका मतलब मेरिट बनेगा। और इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द टेस्ट विल कंप्रीज बी ऑफ 50 मल्टी च्वाइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन रहेगा और 2 आवर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 2 आवर ड्यूरेशन मिलेगा, ठीक है, 2 आवर। थ्री मार्क्स विल बी अवार्डेड ईच करेक्ट आंसर, मतलब अगर प्रत्येक क्वेश्चन पर सही होता है तो 3 नंबर, एंड 1 मार्क डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, अगर आपका गलती होता है तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कह रहा है कि मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन द स्कोर ऑब्टेन बाय ओनली। तो देखिए सेकेंड स्टेज में आप जो भी, मतलब सेकेंड स्टेज मतलब जो एडवांस टेस्ट हो जाए, जो आपका ट्रेड का टेस्ट हो रहा है, इसमें आपका जो क्वेश्चन आप बनाते हैं जितना नंबर है 50, 60, 70, 80 जितना नंबर आता है उस पर निर्भर करता है कि आपका मतलब ये मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्या इसमें दे रहा है कि ऑल कैंडिडेट विथ लेस देन 30% जनरल कैटेगरी से है तो 30% कम से कम आना चाहिए, और रिजर्व वाले हैं तो 20% कम से कम आना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए जितना बच्चा आपका एग्ज़ाम दे रहा है, हो सकता है उसमें उससे सबका कम ही नंबर आए, ठीक है। तो मतलब अगर देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी बच्चा का 30% मार्क्स नहीं है तो किसी का भी नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना आ जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर कम से कम जनरल से है तो 30% मार्क्स ज़रूरी है, अगर ओबीसी एससी एसटी से है तो 20% मार्क्स ज़रूरी है, अगर किसी का नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ठीक है। या अगर मान लीजिए कि आपका 5 गो लड़का का इसके ऊपर आ रहा है, सीट खाली रह जाएगा मगर वहाँ पर नहीं होगा। मतलब कम से कम ये जो कैटेगरी बनाया हुआ है उसके अनुसार आपको 30% जनरल से लाना है और अदर है तो 20% लाना है, मतलब आपको लाना ही लाना है,
ठीक है, तो उतना नंबर आना ही चाहिए, आ जाता है सब कुछ, ठीक है, वैसा तो सिचुएशन नहीं आ पाता है। ठीक है, अगला है हमारा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या दे रहा है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड टू स्किल टेस्ट विल डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर स्टेज टू बट विल नॉट एक्सीड 4 to 5 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज। देखिए कह रहा है कि 4 या 5 गुना मतलब जितना आपका सीट है उससे 4 से 5 गुना तक लड़का ये बुला सकते हैं स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट के लिए आपको जितना सीट है उसका 4 या 5 गुना तक बुला सकते हैं। ठीक है, तो जो एडवांस टेस्ट है इसमें जो भी पास होगा सीट से 5 गुना तक लड़का को ये स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। स्किल टेस्ट में आगे कह रहे हैं कि द स्किल टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन गो या नो गो बेसिस। गो मतलब देखिए अगर आपसे नहीं हुआ तो गो सीधा बाहर, अगर आप स्किल टेस्ट में पास हो गए तो फिर आपको मतलब आगे का जो भी प्रोसेस मेडिकल या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो आपको किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दे रहा है बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट विल प्रिपेयर आफ्टर स्टेज टू एडवांस टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज थ्री कैंडिडेट क्लियरिंग द स्किल टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एज कम इम्पेंडेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन स्टेज टू एडवांस टेस्ट। तो देखिए स्किल टेस्ट में भी अगर आप पास हो जाते हैं, स्किल टेस्ट में अगर आप पास हो गए ठीक है, तब जाके फिर मेरिट बनेगा। मेरिट किस पर बनेगा, तो ये जो एडवांस टेस्ट आप पास हुए हैं इस पर बनेगा। मतलब इस मान लीजिए कि 4 या 5 गुना इन्होंने आपका बुलाया, 4 या 5 गुना, इसमें से 2 गुना लड़के स्किल टेस्ट में पास हो गए, तब इन 2 गुना लड़का में ये आपका जो भी जैसे कि मान लीजिए कि 2 गुना लड़का बुलाया जाएगा, 2 गुना लड़का आपका पास हो गया, तब क्या होगा कि मेरिट जब बनेगा तो जो आपका एडवांस टेस्ट में नंबर है उस पर मेरिट बनेगा, उस पर मेरिट बनेगा, फिर आगे के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर हाउ टू अप्लाई है, तो हाउ टू अप्लाई में आपको ये आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट है http://barconlineexam मतलब देखिए barconlineexam.com इस पर आप जाके फॉर्म भर सकते हैं या सरकारी रिजल्ट या किसी भी वेबसाइट से, बहुत सारा वेबसाइट होता है मगर ऑफिशियल वेबसाइट से करिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन जाके भरना है, आपको इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, आगे हम एक और वीडियो बना के बता देंगे। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन फीस आपको कितना लगा, ये फॉर्म भरने के लिए हम लोग ये कैटेगरी 2 में हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए SC ST फी में देखिए आपका लगेगा 100 रुपया लगेगा। ठीक है, ये फॉर्म भरने के लिए ITI पर अगर आप भरते हैं तो 100 रुपया लगेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, इसको कैसे भरा जाएगा ये हम आगे इसका एक और वीडियो बना देंगे। ठीक है, आगे से आगे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।